दोस्तों आखिर क्यों दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल रशिया नहीं करता। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए अपनी कई मिसाइलों की पूरी ताकत झोंक चुका है, लेकिन रूस की ओर से अभी तक दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो क्या भारत और रूस के ज्वाइंट ऑपरेशन से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल इतनी कारगर नहीं है जिसके चलते अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग रूस की ओर से नहीं किया गया है? रूस की ओर से केवल यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि आज तक कभी भी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो क्या रूस भारत को बेवकूफ बना रहा है, खुद ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग नहीं करता और भारत में मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत की कहानियां बताता है? तो दोस्तों इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आखिर अभी तक रूस ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग क्यों नहीं करता? दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध को 20 दिन से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी रूस ने अपने ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसके बाद तो यह प्रश्न उठना लाजमी था जिसे चीन और पाकिस्तान अपने लिए सबसे बड़ा काल समझते थे। तो क्या वो सच में इतनी ताकतवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि मारो और भूल जाओ? ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत के DRDO और रूस की NPO ने मिलकर 2005 में किया था और ये तभी से भारतीय सेना इस मिसाइल का इस्तेमाल करती आई है। ब्रह्मोस मिसाइल के इंजन का निर्माण भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने किया है। अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल के 4 वेरिएंट तैयार किए जा चुके हैं। इस मिसाइल को शिप, सबमरीन, फाइटर जेट और मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तरह रशिया के पास भी P-800 ओनिक्स नाम की एक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल रशियन आर्मी बहुत अधिक तादाद में करती है। इस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग NPO कंपनी द्वारा ही किया गया है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण भारत के साथ मिलकर किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की तरह P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है। तो क्या P-800 ओनिक्स ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है? आइए आंकड़े में बताते हैं। P-800 ओनिक्स का निर्माण 2002 में किया गया था जबकि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण 2005 में किया गया था। ओनिक्स मिसाइल की तर्ज पर ही ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया है। दोनों मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम है। वहीं इन दोनों मिसाइल के जरिए किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए 200 से 300 किलोग्राम के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। वहीं दोनों मिसाइल की स्पीड की बात करें तो स्पीड भी दोनों मिसाइल की ओनिक्स और ब्रह्मोस की लगभग सेम है। जहां ओनिक्स की स्पीड 2.9 मैक की है, वहीं ब्रह्मोस की भी स्पीड इतनी ही है। वहीं ब्रह्मोस और P-800 ओनिक्स की ऑपरेशनल रेंज यानी कि मारक क्षमता की बात करें तो ओनिक्स की मारक क्षमता 600 से 700 किलोमीटर के बीच है। वहीं अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए वर्जन का परीक्षण किया गया था जिसके तहत अब ब्रह्मोस मिसाइल की मैक्सिमम मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक कर दी गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो रूस की ओनिक्स और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दोनों की क्वालिटी एक ही तरीके की है। इनकी मारक क्षमता, वॉरहेड कैपेसिटी लगभग एक जैसी है। इसी वजह से रूस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल ना करके ओनिक्स का इस्तेमाल करता है। वहीं इसकी एक और वजह यह है कि रूस ने फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल का भी निर्माण कर लिया है जिसका परीक्षण पिछले साल किया गया था और इस मिसाइल का नाम जिरकॉन है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसे बहुत हिडन क्वालिटीज हैं जिसके जरिए ब्रह्मोस मिसाइल को रूस से की ओनिक्स मिसाइल से ज्यादा ताकतवर माना जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल अपने लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग यानी कि कम ऊंचाई पर भी उड़ने की क्षमता के चलते ये अक्सर रडार के पकड़ में आने से बच जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल समुद्र या पृथ्वी की सतह से 6 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ने में सक्षम है। वहीं क्रूज मिसाइलों के बारे में कहा जाता है कि क्रूज मिसाइल जब लॉन्च की जाती है तो उसके पहले उनके टारगेट को सेट कर दिया जाता है और यदि उनके टारगेट अपने स्थान से परिवर्तन कर लेते हैं तो यह क्रूज मिसाइल अपने टारगेट को निशाना बनाने में चूक जाती है। जबकि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के बारे में जैसा मैंने पहले कहा कि कहा जाता है कि मारो और भूल जाओ, यानी कि इसे जिस मिसाइल या फिर फाइटर जेट पर निशाना बनाकर छोड़ा जाता है तो टारगेट जैसे जैसे अपने स्थान में परिवर्तन करता है उसी प्रकार ब्रह्मोस मिसाइल भी अपने मार्ग में परिवर्तन करती जाती है। इसी वजह से अगर इस मिसाइल को एक बार किसी टारगेट पर सेट करके छोड़ा जाता है तो उस टारगेट का तबाह होना बिल्कुल तय माना जाता है, बशर्ते ये टारगेट बस ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में ही स्थित होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल रूस की P-800 ओनिक्स मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन रूस इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस P-800 ओनिक्स का उपयोग 2002 से ही करता आ रहा है जबकि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण 2005 में किया गया था और ओनिक्स मिसाइल रूस की पूरी जरूरतों को पूरा करती है। और रूस में जितने भी फाइटर जेट, शिप, सबमरीन की डिजाइनिंग है वो P-800 ओनिक्स के कंपेटेबल है, इसीलिए रूस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करता। और यदि रूस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहे तो सिरे से अपने जंगी बेड़े में परिवर्तन करना होगा। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल की कॉस्ट की बात करें तो ये बहुत ही किफायती मिसाइल है। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट $2.75 मिलियन है। आपको बता दें कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने के लिए भी काम कर रहा है। आने वाले 2 से 3 सालों के भीतर इसका परीक्षण किया जा सकता है और इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस 2 होगा। अभी तक यूक्रेन पर रूस के द्वारा ब्रह्मोस का इस्तेमाल ना किए जाने की
एक वजह यह भी है कि रूस यूक्रेन में भारी तबाही नहीं मचाना चाहता, क्योंकि तबाही का दूसरा नाम ब्रह्मोस है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्यों रूस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।